हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एनएल वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट मुझे देखने को मिला, काफी ट्रेंडिंग में प्रोजेक्ट देखने को मिला। जी बिल्कुल, BNX के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम बाइनरी एक्स कहते हैं। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई BNX कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या करता है, किस तरह काम करता है, तो वो सारी की सारी जो चीजें BNX को लेकर मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो भाई, इससे पहले कि मैं अपनी BNX की वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबा लें, साथ में बेल के आइकन को दबा लें, ताकि BNX हो या कोई भी कॉइन उनके रिलेटेड कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सकें। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपने BNX की तरफ। तो यहाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चाहूंगा कि भाई, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोस तो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। उसके बाद मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूंगा कि भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपनी रिसर्च करके फिर जहाँ पे भी जाए अपनी मर्जी से जो आप पैसा वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कौन से कॉइन में देखना चाहते हैं, तो उस कॉइन के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो भाई यहाँ पे बात करें बिटकॉइन की, तो 25,892 डॉलर पर चल रहा है, 0.3% ने बढ़ चुका है। इथेरियम की बात करें तो भाई 1636 पे चल रहा है, 0.2% ने बढ़ चुका है। BNB 214 पे चल रहा है, 0.3% डाउन जा चुका है। XRP 0.5 डॉलर पे चल रहा है। डोजकॉइन 0.063 पे चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो मार्केट है वो इन हालात के साथ हमें देखने को मिल रही है। तो वहीं पे अगर मैं मजीद बात करूं तो भाई, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, तो पहले हम देख लेते हैं बाइनरी एक्स। तो भाई BNX तकरीबन जो है अभी 0.187994 नंबर पे रैंक, सॉरी डॉलर पे इसकी प्राइस चल रही है, 0.5% ये डाउन जा चुका है। BTC के हिसाब से 1.2% है और BNB के हिसाब से ये 0.4% डाउन जा चुका है। और ये अपने ऑल टाइम हाई से जो 97% डाउन है, जो 6.58 डॉलर था, जो इसने 28 फरवरी 2023 को तकरीबन आज से 6 माह पहले बनाई थी। वैसे देखा जाए तो ये 30 दिनों में 15%, 14 दिनों में 8% और 7 दिनों में ये 3% जो है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। तो वहीं पर हमने देखा कि भाई इसका देखने करें, इसके ट्विटर पे देखें तो भाई ट्विटर पे इसके 250 के फॉलोवर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है ट्विटर पे। उसके बाद यहाँ पे इसके हैकाथॉन होते रहते हैं, ये आए दिन मीम्स वगैरह काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते रहते हैं। उसके बाद वहीं पे बात करें, हम आ चुके हैं बाइनरी एक्स। जी बिल्कुल, BNX का जो पूरा नाम है वो है बाइनरी एक्स। जी बिल्कुल, अभी भी इसका जो ऑनलाइन हैकाथॉन चल रहा है 2023 का, जो अगस्त 2021 से लेकर अक्टूबर 4 तक जो है चलने वाला है, जिसमें तकरीबन $20,000 की जो है प्राइस पूल रखा गया है जो आप विन कर सकते हैं। तो अगर आप उसके हैकाथॉन पे पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पे इनकी जो है काफ़ी सारी पॉपुलर गेम है, जिसे प्रोजेक्ट मैथ्यू है, साइबर चेज है, उसके बाद साइबर ड्रैगन नक के नाम से भी इनकी गेम्स है। तो बिल्कुल अगर सिंपली वर्ड्स में बात करें तो ये एक गेमीफाई प्रोजेक्ट है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको गाला वगैरह, सेंड जो होता है, माना वगैरह, तो उस तरह ये एक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट करेगा। फिलहाल आई थिंक इनके यहाँ कुछ ये 4-5 गेमें अवेलेबल है, साइबर चेज है, साइबर अरीना है, मैथ्यू है, साइबर लैंड है, तो आप इनको प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो भैया बाइनरी एक्स गेम्स, बाइनरी एक्स BNX जिसे हम कहते हैं, तो एम्स टू इंट्रोड्यूस हाई क्वालिटी गेम्स टू द वेब 3 एंड द मेटावर्स। जी बिल्कुल, इनका काम ही है कि भाई वो आपके लिए वेब 3 की और मेटावर्स की गेम्स वगैरह लेके आए, जिसमें वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी जो है क्रिप्टो के अंदर वो गेमें लेके आए। तो यहाँ पे इनका IGO लॉन्च पैड है, गेम डेवलपमेंट का है, एसेट मार्केट प्लेस है। तो आप अपनी जो ये पूरा का पूरा गेमीफाई को टारगेट करता है, तो आप अपनी गेमें वगैरह जो वो बनाना चाहें तो इनके यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली बात की जाए प्रोडक्ट की वैल्यू की, तो भैया मुझे पर्सनली ये काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट लगा। इसकी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस हमें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। आपको इतनी मूवीज़ वगैरह की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं देखने को मिलेगी जितनी आपको ये गेमिंग इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। तो ये गेमिंग को टारगेट करने वाला प्रोजेक्ट है, तो ये भाई आगे चल के काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करना ना करना वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।